सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन और दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हूर्ण व तेज तर्रार इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम व दक्षिण पूर्व जिले की स्थानीय पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन ने ATM लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मेवात क्षेत्र के एक अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये गैंग पुलिस को चकमा देने के लिए पहले वाहन चोरी करता था, फिर चोरी के वाहन से ही दिल्ली NCR में ATM लूट की वारदात को अंजाम देता था। बीते 31 मार्च की रात यह बदमाश बदरपुर के आली विलेज इलाके में लगे SBI बैंक के ATM को जड़ से उखाड़कर उसे चोरी की बोलेरो कार में डालकर फरार हो गए थे। मेवात में बदमाशों ने ATM में मौजूद 34 लाख रुपए निकालकर आपस में बांटने के बाद ATM को मेवात के ही एक कुएं में फेंक दिया था। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान हथीन पलवल निवासी 35 वर्षीय इमरान उर्फी इम्मा, हथीन पलवल निवासी 26 वर्षीय सलमान व नूह हरियाणा निवासी 32 वर्षीय शकील के रूप में हुई है। इमरान उर्फी इम्मा गैंग का सरगना है। तीनों के पास से एक पिस्टल, 2 कट्टा, 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने लूट की 8 लाख रुपए में खरीदी गई क्रेटा कार भी जब्त कर ली है। 31 मार्च व 1 अप्रैल की दरमियानी रात बदरपुर इलाके के 7 सरपंच कॉम्प्लेक्स आली विलेज में लगे SBI बैंक के ATM को चोर जड़ से उखाड़कर चोरी करके ले गए थे। ATM के गार्ड तारा शंकर ने बताया कि हर रोज की तरह देर शाम ATM का शटर बंद करके अपने घर चला गया था। उसका घर ATM के पास में ही है। सुबह गार्ड तारा शंकर दूध लेने घर से निकला तो उसने देखा कि ATM के शटर का ताला टूटा हुआ है और कोई ATM को जड़ से चोरी करके ले गया है। गार्ड तारा शंकर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ATM चोरी की वारदात से बदरपुर थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। तुरंत ही दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांडे की सुपरविजन में ACP अजय कुमार, ACP ऑपरेशन मनोज कुमार, बदरपुर थाना प्रभारी, स्पेशल स्टाफ की कई टीमें क्राइम सीन पर पहुंची। चोर इतने शातिर थे कि वारदात से पहले ATM के CCTV कैमरों को तोड़ दिया था, लेकिन सरपंच कॉम्प्लेक्स के बाहर लगे CCTV कैमरों में चोरों की सभी हरकतें कैद हो गई। ये आपको कब पता चल गया था यहाँ? जी सुबह पता चला, क्योंकि मेरे तो गाड़ी को काम में आना जाना रहता है, लेकिन ये सुबह जब यहाँ पे शोर मचा गई, मेरे लड़का ही बता रहा था भाई साहब वहाँ भीड़ हो रही है, एंड क्या बात होगी, देखा तो ATM गया हुआ है। सुबह लगभग मेरे हिसाब से मैंने कैमरे में देखा 3:58 या 55-56 मिनट की बात है। हाँ मेरे बड़े कैमरे भी, आपके कैमरे रिकॉर्ड हुआ था? कैमरा ये लग रहा है मेरा कैमरा, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग आई है, कुछ जो बंदे इधर गली में घूम रहे थे उसमें भी आई रिकॉर्डिंग आई है। वो जो यहाँ पे रैकी कर रहे थे जो? हाँ जी हाँ, जो घूम रहे थे। तो उस समय पुलिस किस टाइम आ गई थी यहाँ पर? पुलिस तो सुबह आई थी, मेरे हिसाब से 5:30-6 बजे के बाद ही पुलिस आई है। CCTV फुटेज में पुलिस टीम ने देखा कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले ATM के CCTV व अलार्म की तार को काटा, फिर ATM के सभी CCTV कैमरों पर ब्लैक स्प्रे कर दिया। ATM का शटर तोड़ने के बाद अपने साथ लाए बोलेरो गाड़ी को ATM के अंदर तक खड़ा करके ATM को बांधकर बोलेरो गाड़ी से खींचकर जड़ से उखाड़ दिया और ATM को बोलेरो गाड़ी में रखकर फरार हो गए। दक्षिण पूर्व जिला की स्पेशल स्टाफ ने CCTV फुटेज और वारदात के समय का मोबाइल डंप डाटा के आधार पर कुछ स्थानीय लोगों को उठाया, लेकिन कुछ सस्पेक्ट नहीं मिलने पर पूछताछ करके छोड़ दिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज DCP जसमीत सिंह ने बताया कि ATM चोरों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन और दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हूर्ण व तेज तर्रार इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व जिले की स्थानीय पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। इंस्पेक्टर शिव कुमार व ईश्वर सिंह की टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे सभी CCTV फुटेज को खंगाला, मुखबिरों का जाल बिछाया। जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी, जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे CCTV फुटेजों को खंगाला। क्राइम सीन से करीब 90 किलोमीटर के दायरे में लगे 1000 से अधिक एक CCTV कैमरे को खंगालते खंगालते जांच टीम बदमाशों की तलाश में मेवात तक पहुंच गई। मेवात से आगे के CCTV फुटेजों में बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे, इससे जांच टीम ने अंदाजा लगा लिया कि आरोपी मेवात में ही कहीं छुपे हुए हैं। आरोपियों को दबोचने के लिए स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की टीम के कुछ सदस्य मेवाती ड्रेस पहनकर मेवात में घूम घूम कर आरोपियों के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने लगे। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज टीम की मेहनत रंग लाए। टीम को मुखबिरों से पता चला कि ATM चोरी की वारदात को अंजाम मेवात के इमरान उर्फ इम्मा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दिया था। टीम को यह भी पता चला कि इमरान उर्फ इम्मा दिल्ली के लाडो सराय इलाके में एक और ATM को लूटने की योजना बना रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इमरान उर्फ इम्मा को दबोचने के लिए स्पेशल सेल DCP जसमीत सिंह ने ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन और दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार व तेज तर्रार इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया।
टीम ने दिल्ली के लाडो सराय इलाके में इमरान उर्फ इम्मा की आवाजाही के बारे में और जानकारी जुटाई और इलाके में इमरान उर्फ इम्मा व उसके साथियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली, 6 अप्रैल रात 8 से 9 के बीच इस गैंग के दो सदस्य इमरान और सलमान क्रेटा कार में सवार होकर लाडो सराय स्थित चिल्ड्रन पार्क के पास आएंगे। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह और शिव कुमार की टीम ने वहां जाल बिछाया। रात लगभग 8:05 पर दोनों सस्पेक्ट क्रेटा कार से लाडो सराय स्थित चिल्ड्रन पार्क वाले रोड पर आते दिखाई दिए। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने क्रेटा कार को रुकने को कहा। इस दौरान बचने के लिए इमरान ने स्पेशल सेल की टीम पर गोली चला दी, लेकिन टीम बचाव करते हुए उन्हें पकड़ने में कामयाब रही। इमरान उर्फ के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं एक सिंगल शॉट पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस सलमान के पास से बरामद हुए। मौके पर इमरान उर्फ द्वारा चलाई गई गोली का खाली खोल भी बरामद हुआ। लूटे गए रुपए से खरीदी गई एक क्रेटा कार को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर टीम ने तीसरे आरोपी शकील को भी दबोच लिया। उसके पास से एक सिंगल शॉट पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरुण चौधरी है सर। अरुण चौधरी जी, आप लोकल अलीगांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं हमारा ही है, हमारा ऑफिस है, पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा ही है, सरपंच कॉम्प्लेक्स के नाम से हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो ATM हमारे इसी में लगा हुआ था। ये तो सुबह 6:30 करीब मुझे सरिता मैर का फ़ोन आया, उस टाइम मैं सो रहा था। उस टाइम उन्होंने मौके पर मुझे बुलाया कि सर ऐसे से बात हो गई है। मैंने कहा, उस टाइम मैं आया तो यहाँ पे पुलिस की काफ़ी टीम थी, कोई स्पेशल सेल से था, ATS थी, अपने थाने के लोग थे सारे के सारे, SHO साहब थे, 3 जगह के SHO थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी यहाँ पे उस टाइम, DCP मैडम थी, सारे थे यहाँ पे उस टाइम। तो फिर तहकीकात हुई, छानबीन हुई, तो अपने शिव कुमार साहब की टीम है, शिव कुमार हुन जी की, उन्होंने इसको करीबन 5 दिन के बाद ATM को रिकवर कर लिया गया है और जो इसमें दोषी थे उनको, उन पर कार्रवाई हो रही है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के शिव कुमार जी ने बहुत नेक काम करा, अच्छा काम करा है और समाज को बेहतरी के लिए आगे कदम बढ़ाया है, और ऐसे ही आगे काम करते रहे और ऐसी ही घटना को जल्दी जल्दी सुलझाते रहे। दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इमरान उर्फ उनके गैंग का सरगना है। 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात गैंग का सरगना इमरान उर्फ गैंग के सहयोगियों राहुल चौरा, शकील, सलमान और तैयब के साथ ATM चोरी करने की योजना से डिजायर कार से दिल्ली में आए थे। योजना अनुसार इमरान उर्फ व अन्य बदमाश ने बदरपुर फ्लाईओवर के नीचे पहले से खड़ी एक चोरी की बोलेरो गाड़ी लेकर ATM की चोरी करने गए। आरोपितों ने खुलासा किया है कि उन्होंने बोलेरो गाड़ी 21 मार्च को थाना सनलाइट कॉलोनी इलाके में राजदूत होटल के पास ATM को उखाड़ने में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से चुराया था। वारदात वाली रात 5 आरोपियों ने दिल्ली के थाना बदरपुर इलाके में स्थित SBI बैंक के ATM को तोड़कर जड़ से उखाड़ दिया था और ATM को चोरी की बोलेरो में डालकर फरार हो गए थे। ATM में रखे 34 लाख रुपए की नकदी निकाल ली और पैसे आपस में बांट दिए। इसके बाद मेवात इलाके के एक कुएं में ATM को फेंक दिया गया था। इस वारदात में इमरान को 14,05,000 रुपए मिले थे, इसमें से 8 लाख रुपए से उसने क्रेटा गाड़ी खरीद ली थी। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मार्च में पश्चिमी दिल्ली में एक और ATM को उखाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। गैंग सरगना इमरान उर्फ इम्मा पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या के प्रयास, ATM को उखाड़ने, चोट, हमला, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान ग्राम मामोल का थाना हथीन जिला पलवल हरियाणा निवासी 35 वर्षीय इमरान उर्फ इम्मा पुत्र शमशुद्दीन, ग्राम मामोल का थाना हथीन जिला पलवल हरियाणा निवासी 26 वर्षीय सलमान पुत्र कमरुद्दीन व ग्राम रायपुरी तहसील नूह हरियाणा निवासी 32 वर्षीय शकील पुत्र आसरू के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपितों से उनके सिंडिकेट के शेष सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की पूछताछ और लूटे गए धन की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश।
हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखिए हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।